Hello students, today we are going to learn about the kingdom plantae chapter. In kingdom plantae chapter, I am going to start the algae topic. You should follow the pattern which I have followed, which is on the basis of classification which was proposed by R. H. Whittaker in 1969. He classified all the organisms which exist on the surface of the earth on the basis of five characteristics, in which first one was the cell organization, then body organization, then mode of nutrition, mode of reproduction, and phylogenetic relationship. What is the actual meaning of phylogenetic relationship? Phylogenetic relationship means the evolutionary history of an individual. Evolutionary history मतलब क्या? कि कौन सा individual किससे evolve हुआ है? ये evolutionary history क्या कहलाती है? Phylogenetic relationship कहलाती है. अलगे को जब हम स्टडी करेंगे तो आपको याद रखना यह है कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन इस टॉपिक से फिक्स है, 100% पूछेगा आपसे नीट एग्जाम के अंदर इंशाल्लाह. क्लियर है? अलगे के अंदर जो मैंने पैटर्न फॉलो किया है वो पैटर्न आपको भी फॉलो करना है, और वो पैटर्न किसके ऊपर बेस करता है? आर एच व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन पैटर्न के ऊपर. आर एच व्हिटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको जो क्लासिफाई किया था वो फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया था. सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. यही पैटर्न आपको फॉलो करके ही अल्गे को याद करना है, बाहर करना है. क्लियर है? अब अल्गे को हम लोग देखते हैं तो अल्गे किसके अंदर इंक्लूडेड है. सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया इसका? यूकैरियोटिक. यू मतलब ट्रू हो गया, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस. इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे मेंबर्स जिनके अंदर सेल जो होगा उस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा. क्लियर है? तो जब जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वेल सराउंडेड रहे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहे, तब इस तरह के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल. कौन सा सेल? यूकैरियोटिक सेल. क्लियर है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अल्गे के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. यूनिसेलुलर मतलब क्या? कि ऐसी बॉडी जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी हो उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोल देंगे. मल्टीसेलुलर जो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सेल से एग्रीगेट होकर बनी हो, यानी एक से ज्यादा सेल से जो एग्रीगेट होकर बनी रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे. अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको नीट में यहां से क्वेश्चन आ चुका है नीट एग्जाम के अंदर कि यूनिसेलुलर की अगर हम बात करते हैं तो नीट एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड या विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स फ्रॉम द यूनिसेलुलर एल्गी. देन यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम्स. यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर क्या क्या आता है? स्पाइरुलिना, क्लोरेला, क्लेमिडोमोनास. एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूं, स्पाइरुलिना, क्लोरेला एंड क्लेमिडोमोनास. क्लियर है? मल्टीसेलुलर की अगर हम स्टडी करते हैं तो मल्टीसेलुलर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट क्या हो गया? कॉलोनियल, और सेकंड क्या हो गया? फिलामेंटस. कॉलोनियल में एग्जांपल आ गई वॉल्वॉक्स और फिलामेंटस में एग्जांपल आ गई यूरोथ्रिट्स एंड स्पाइरोगाल्बा. दीज एग्जांपल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है? व्हेन द सेल्स एग्रीगेट इन सच वे दैट दे फॉर्म अ कॉलोनी, देन दैट टाइप ऑफ द एग्रीगेशन इज द कॉलोनियल फॉर्म. And when the cells aggregate in such a way that there is the formation of the filament-like structure, then that type of the aggregation is the filamentous structure. Clear है? Colonial में example आ गई Volvox, और filamentous में example आ गई Eulothrix and Spirogyra. सबसे important चीज, आपको अगर example को long lasting ज्यादा time तक याद रखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? Funda होना चाहिए. और वो funda ही क्या करेगा? Example को long lasting याद रखने में आपके लिए क्या करेगा? Helpful होगा. तो इसीलिए colonial के अंदर एग्जांपल होगी वॉल्वॉक्स, और इसको याद रखने के लिए फंडा हो गया कवल. कवल में CO4 क्या हो गया? कॉलोनियल हो गया. और VOL मतलब क्या हो गया? वॉल्वॉक्स हो गया. फिलामेंटस में अगर हम लोग देखते हैं तो यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा आ गया, तो इसको याद रखने के लिए फंडा हो गया फर्स्ट. F4 क्या हो गया? फिलामेंटस. U4 यूरोथ्रिक्स और S4 स्पाइरोगायरा. क्लियर है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हम लोगों को क्या याद रखना है कि इनकी बॉडी जो होती है उनकी सिंपल थैलॉइड होती है. सिंपल थायरॉइड का मतलब क्या? कि बॉडी का क्या होना? बहुत ज्यादा सिंपल होना. उसकी बॉडी के अंदर ना ही तो ब्रांचेस मौजूद होंगी, ना ही तो फ्लावर्स मौजूद होंगे, ना ही तो फ्रूट्स मौजूद होंगे, और ना ही तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे. क्लियर है? उनके अंदर वैस्कुलर बंडल असेंट होगा और फ्लावर और फ्रूट्स भी क्या होंगे? असेंट होंगे. ये याद रखने की चीज आपको इसको बाहर करना है. क्लियर है?
तो बॉडी ऑफ पोजिशन दो तरह की होगी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एग्जांपल्स बाय हार्ट करना है। यूनिसेलुलर में एग्जांपल क्या है, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना हो गया, क्लोरेला हो गया, क्लेबिडोमोना हो गया। मल्टीसेलुलर को दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉलोनियल और फिलामेंटस। कॉलोनियल में एग्जांपल आ गई वॉल्वॉक्स, और फिलामेंटस में एग्जांपल आ गया यूरोसिक्स एंड स्पाइरो वगैरह। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाती है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ऑटो मतलब सेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं और एक केमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ यानी क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड लाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर करे, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी केमिकल प्रोसेस के जरिए अपना फूड प्रिपेयर करें, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, केमो ऑटोट्रॉफ। अल्गे किसके अंदर इंक्लूडेड है, तो अल्गे अपना फूड जो प्रिपेयर करता है वो लाइट के जरिए प्रिपेयर करता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसीलिए अल्गे का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, देन वी नो दैट फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द पिगमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट। हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस अगर परफॉर्म कर रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि उसके पास क्या होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, और वही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल होंगे लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहां रिप्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? तो अल्गे किसके अंदर इंक्लूडेड हो गया, अल्गे फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गया, इसकी वजह से उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसके पास क्या है, प्रेजेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से उसके पास, पहला क्या हो गया, क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी। यहां पर मैंने समराइज फॉर्म में पूरा लिख दिया कौन कौन से पिगमेंट उसके पास मौजूद होंगे। क्लोरोफिल ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। क्लियर है? और क्या होगा, फाइकोजेंथिन होगा, कैरोटीनॉइड्स होंगे और फाइको इरिथ्रिन होगा। आप याद रखना है क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी। फिर उसके बाद क्या हो गया, फाइकोजेंथिन, कैरोटीनॉइड्स और क्या हो गया, फाइको इरिथ्रिन हो गया। क्लियर है? अच्छा, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइरिडोइंस, या अल्गे की प्रॉपर्टी होगी। कौन सी अल्गे की, तो ग्रीन अल्गे याद रखना, जिसको हम लोग क्लोरोफाइसी बोलते हैं। पाइरिडोइंस आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। पाइरिडोइंस आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड दीज पाइरिडोइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। ये पाइरिडोइंस अपने अंदर प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है? याद रखिए आप, पाइरिडोइंस कहां पर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, और यही पाइरिडोइंस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन के लिए। यहां पर मैंने क्यों मेंशन किया, यहां पर इसलिए मेंशन किया ताकि यहां पर क्लोरोप्लास्ट का तस्करा हुआ, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने बात किया, इस वजह से मैंने पाइरिडोइंस यहां पर लिख दिया। पाइरिडोइड किसी भी तरह का पिगमेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? देन उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ गया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एज वी नो दैट देयर आर द थ्री मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, थ्री मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव, देन अनदर वन इज द असेक्सुअल, देन सेक्सुअल। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर किसके जरिए होगा, तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्टली बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए होता है, बाय स्पोरोजेनेसिस। स्पोरो मतलब स्पोर हो गया, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन हो गया, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इनके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन स्पोर्स कौन से पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर। तो जू स्पोर इज द मोस्ट कॉमन स्पोर व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एल्गी। क्लियर है? ये जू स्पोर कैसा है, तो आपको याद रखना है फ्लैजेलेटेड है और मोटाइल है, यानी इसके पास फ्लैजेला है, और अगर फ्लैजेला है तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा, मोटाइल होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की शेप और साइज की बुनियाद पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसको तीन पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। आइसोगेमस हो गया, एन आइसोगेमस हो गया और ओगेमस हो गया। आइसोगेमस, एन आइसोगेमस एंड ओगेमस। अब क्या याद रखना है आपको, यहां पर
कि अगर हम लोग आइसोगेमस की बात करते हैं तो आइसोगेमस मतलब आइसो मतलब क्या हो गया एक जैसा, गेमस मतलब गैमेट, यानी अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम शेप और साइज के रहते हैं तब हम लोग उनको क्या बोलेंगे आइसोगेमस। और अगर हम लोग एन आइसोगेमस की बात करते हैं तो एन आइसोगेमस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि भाई अगर एन आइसोगेमस है इसका मतलब क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों की शेप और साइज के अंदर क्या पाया जाएगा वेरिएशन पाया जाएगा। ओगेमस में देखेंगे तो ओगेमस में क्या होगा मेल गैमेट स्मॉलर इन साइज होगा और फीमेल गैमेट लार्जर इन साइज होगा। क्लियर है? तो आइसोगेमस में एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, आइसो बोले तो एक जैसा, गेमस मतलब गैमेट, यानी जब दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल दोनों गैमेट सेम शेप और साइज के रहेंगे तो आइसोगेमस बोला जाएगा। जब मेल और फीमेल गैमेट जो होंगे उनकी शेप और साइज में वेरिएशन पाया जाएगा तो एन आइसोगेमस बोला जाएगा। और अगर हम ओगेमस की बात करते हैं तो मेल गैमेट स्मॉलर इन साइज होना चाहिए और फीमेल गैमेट लार्जर इन साइज होना चाहिए तब क्या बोलेंगे हम लोग इसको ओगेमस बोलेंगे। क्लियर है? आइसोगेमस में एग्जांपल क्या है यूलोथ्रिक्स। अब यहां पर आपको फिर से याद रखना है कि आइसोगेमस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फ्लैजिलेटेड और एक नॉन फ्लैजिलेटेड। जो फ्लैजिलेटेड है वो मोटाइल होगा, जो नॉन फ्लैजिलेटेड है वो नॉन मोटाइल होगा। तो आपको याद रखना है आइसोगेमस में फर्दर क्लासिफिकेशन है फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड, और जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है वही एग्जाम्पल पूछी जाएगी, इसलिए आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्लैजिलेटेड में एग्जाम्पल आ गई यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा में एग्जाम्पल आ गई नॉन फ्लैजिलेटेड में एग्जाम्पल आ गई स्पायरोगैरा। अरे क्लियर है क्या? नेक्स्ट एनाइसोगेमस की अगर हम बात करते हैं तो एनाइसोगेमस में एग्जाम्पल आ गए डोरिना, और अगर ओगेमस की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल आ गई वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। क्लियर है? तो इतना जो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या देख लिया बेसिक प्रॉपर्टीज देख लिया। क्या देख लिया? बेसिक प्रॉपर्टीज। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे हैबिटेट के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे हैबिटेट। अब हैबिटेट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो हैबिटेट और नीच में फर्क होता है। हैबिटेट क्या होता है? द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फिजिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। लेकिन उस फिजिकल स्पेस में रहते हुए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ और अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है और अपने एनवायरमेंट के अंदर अपने हैबिटेट के अंदर कैसा फंक्शनल रोल प्ले करता है, अगर हम लोग उसके फंक्शनल रोल को और फिजिकल स्पेस को दोनों को साथ में देखते हैं तब वर्ड होता है नीच। यहां पर हम लोग कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होगा? फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड ऑर्गेनिज्म, कैसी जगह पर यह रहता है। तो अगर हम बात करते हैं इसका हैबिटेट कितनी तरह का होगा, फर्स्ट एक्वेटिक हो गया। एक्वेटिक मतलब क्या? पानी में रहेगा, इसके अंदर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों इंक्लूडेड हो गया। सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉइस्ट स्टोन्स सॉइल्स एंड वुड्स। मॉइस्ट स्टोन्स पे भी हो सकता है, सॉइल्स पे भी हो सकता है और वुड्स पे भी हो सकता है। क्लियर है? और तीसरा जो मोड पाया गया इसका वो कैसा हो गया? सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। कैसा हो गया? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर हम लोग बात करते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है तो हम लोग देखेंगे म्यूचुअलिज्म का जो केस होता है, यानी ऐसा एसोसिएशन जिसके अंदर दोनों इंडिविजुअल को फायदा होने वाला है इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दोनों लाइफ में क्या होने वाला है, इसके अंदर फायदा होने वाला है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन की एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फंगस प्लस अल्गे दोनों मिलकर क्या बनाते हैं लाइकेंस, और लाइकेंस किसके ऊपर ग्रो करते हैं बैरन रॉक्स के ऊपर। तो फंगस प्लस अल्गे दोनों मिले और क्या बना दिया इन्होंने लाइकेंस बना दिया। अरे क्लियर है क्या? और अल्गे का प्रेजेंट होना किसके ऊपर स्लॉथ बियर के ऊपर, अल्गे का प्रेजेंट होना किसके ऊपर स्लॉथ बियर के ऊपर भी कैसी एग्जांपल हो गई सिम्बायोटिक एसोसिएशन की एग्जांपल हो गई। क्लियर है? इसलिए आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम लोग इसके हैबिटेट की बात करते हैं हैबिटेट इसका क्या हो गया तीन तरह का हो गया, एक एक्वेटिक हो गया। एक्वेटिक में अब हम लोग देखते हैं फ्रेश वाटर भी है और मरीन वाटर भी है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मरीन फॉर्म में देखते हैं तो मरीन फॉर्म में क्या होता है कि द एल्गे विच आर प्रेजेंट इन द मरीन हैबिटेट फॉर्म द मैसिव प्लांट बॉडी। एग्जाम्पल क्या उसके अंदर कैल्प है और ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं द एल्गे विच आर प्रेजेंट इन द मरीन हैबिटेट फॉर्म अ मैसिव प्लांट बॉडी, और उस मैसिव प्लांट बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं कैल्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्प्स। क्लियर है? मैसिव प्लांट बॉडी यानी क्या? बहुत ह्यूज प्लांट बॉडी रहेगी, यानी ओवर 100 मीटर्स हो सकता है। क्लियर है? याद रखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, तो सिक्स होता है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। अगर हम लोग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको याद रखना कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के अंदर जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया बस आपको इतना ही याद रखना है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में आपको याद रखना है फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द फोटोसिंथेसिस। पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए
पूरे वर्ल्ड का, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो आधा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसके जरिए किया जाता है, अल्गी के जरिए किया जाता है। पूरा टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ द वर्ल्ड पूरा देखा जाए, ऑफ द अर्थ पूरा देखा जाए, तो अर्थ का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का आधा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है, अल्गे करता है। क्लियर है? सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट एज दे आर फोटोसिंथेसिस एंड एज दे आर फोटोसिंथेटिक, देयरफॉर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और वो ऑक्सीजन कहां डिसॉल्व हो जाएगा, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। तो इसीलिए क्या बोला कि जहां पर भी अल्गे प्रेजेंट होंगे जिस वाटर के अंदर, वहां पर ऑक्सीजन लेवल को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। अरे क्लियर है क्या? फिर उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं, थर्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फॉर द एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, यानी अगर एक्वेटिक एनवायरमेंट में देखा जाए तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए वो कौन हो गए, अल्गे हो गए। क्लियर है? क्लियर है? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर फॉर द एनर्जी रिच कंपाउंड्स। अच्छा, इनको किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो यूज एज, पहला क्या हो गया, फूड सोर्स। फूड सोर्स के लिए यूज किया जाता है इनको, हाइड्रोकोलाइट्स की तरह यूज करते हैं इनको, अगार के तौर पर यूज करते हैं, और प्रोटीन रिच फूड इनसे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। कहां का यूज किया, एज अ फूड सोर्स फॉर द हाइड्रोकोलाइट्स, अगार एज वेल एज द प्रोटीन रिच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन रिच फूड। क्लियर है? अब हम लोग को ये एग्जांपल यहाँ पर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी, किस अल्गी को फूड सोर्स के तौर पर यूज किया जाता है, कौन सी अल्गी ऐसी है जो हाइड्रोकोलाइट्स की तरह बिहेव करती है, कौन सी अल्गी ऐसी है जिससे हम लोग अगार ऑब्टेन करते हैं, और कौन सी अल्गी ऐसी है जिसके जरिए हम लोग प्रोटीन रिच फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम फूड सोर्स की बात करते हैं तो फूड सोर्स यानी जिन अल्गी को एज अ फूड यूज किया जाता है उसके अंदर कौन कौन आ गया, पोरफायरिन, लेमिनेरिया, सर्गेसम। याद रखना है आपको, पोरफायरिन, लेमिनेरिया, सर्गेसम। और इसको लॉन्ग लास्टिंग याद रखने के लिए आपके पास फंडा है, और वो फंडा क्या हो गया, फास्ट पल्सर हो गया। F4 क्या हो गया, फूड सोर्स, F4 फूड सोर्स हो गया। PA4 क्या हो गया, पोरफायरिन, P4 पोरफायरिन, L4 लेमिनेरिया, और SAR मतलब क्या हो गया, सर्गेसम हो गया। तो अगर आप फास्ट पल्सर याद रखेंगे तो एज अ फूड सोर्स के तौर पर हम यूज करें भाई पोरफायरिन को, लेमिनेरिया को और सर्गेसम को, ये अपने लिए एकदम इजी चीज होगी। तो आप अगर ये फंडा याद रखेंगे तो ऑप्शंस के अंदर आपको फाइंड आउट करने में क्या होगा, आसानी होगी। हाइड्रोकोलाइट्स, हाइड्रोकोलाइट्स से भी क्या हो गए, द अल्गे विच आर यूज्ड एज अ, द अल्गे विच हैविंग अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नोन एज द हाइड्रोकोलाइट्स। आगे देखते हैं हम लोग इसके अंदर मरीन फॉर्म्स आ गई। मरीन फॉर्म्स के अंदर एग्जाम्पल हमने क्या देख लिया, अल्जीन एंड कैराजीन। अल्जीन को क्या बोल दिया, ब्राउन अल्गे, और कैराजीन को क्या बोल दिया, रेड अल्गे। या आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। कैसा पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू, उसके अंदर आपको मेंशन कर देगा, वहां पर क्या कर देगा, आपको कैराजीन को ब्राउन एल्गी लिख देगा और अल्जीन को रेड एल्गी लिख देगा। तो आपको इसको याद रखने का तरीका क्या है, पहली बात तो एग्जाम्पल्स को याद रखने का तरीका क्या है, एग्जाम्पल्स को याद रखने का तरीका, आपके पास फंडा है हार्ड पैरोट, H4 क्या हो गया, हाइड्रोकोलाइट हो गया, H4 क्या हो गया, हाइड्रोकोलाइट, ए मतलब क्या हो गया, अल्जीन हो गया, और C4 क्या हो गया, कैराजीन हो गया। अब आप ये कैसे याद रखेंगे कौन ब्राउन एल्गी है और कौन रेड एल्गी है, तो हम जानते हैं ए के बाद बी आता है, अगर अल्जीन है तो B4 क्या होगा, ब्राउन एल्गी होगा। या आप ऐसा याद रख सकते हैं कि भाई अल्जीन में एक भी आर नहीं जबकि कैराजीन में दो आर है, तो कैराजीन में दो आर है तो कौन सा एल्गी होगा, रेड एल्गी होगा, आपके लिए इजी हो गया ये। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अगार। अब अगार जो होता है ये एक तरह का क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया जिसको प्रिपेयर किया जाता है किसके जरिए, अल्गे के जरिए। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करेंगे। क्लियर है? ये जो अगार ऑब्टेन हो रहा है किससे ऑब्टेन हो रहा है, अल्गे से। और अगार को किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अगार इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोइंग द माइक्रोब्स। यानी ये कैसा हो गया, माइक्रोब्स के लिए न्यूट्रिएंट रिच मीडियम हो गया जिसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ते चली जाती है। और फिर किसके अंदर यूज करते हैं हम लोग इनको, आइसक्रीम प्रोडक्शन के अंदर, आइसक्रीम प्रिपरेशन के अंदर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड फॉर ग्रोइंग द माइक्रोब्स अगार आर यूज्ड। अब ये अगार हम लोग किन अल्गे के जरिए बना सकते हैं, The algae which are used for the preparation of agar includes gelidium and gracilaria. क्या क्या आता है इसके अंदर, gelidium and gracilaria. अब इसकी example को आप याद रखने के लिए फंडा क्या हो गया आपके पास, agar हो गया। फंडे को आप कैसे याद रखेंगे, आगा जी गिर। तो आगा जी गिर मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग देखते हैं आगा जिगर याद रखना है, आगा जिगर याद रखेंगे आप तो क्या हो गया, आगा मतलब क्या हो गया, अगार हो गया, जी मतलब क्या हो गया, जेलिडियम हो गया, गिर मतलब क्या हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया। तो आगा जिगर,
अगर जिगर याद रखना है आपको, अगर हम लोग देखते हैं प्रोटीन रिच फूड, तो प्रोटीन रिच फूड बनाने के लिए किन किन एल्गी को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब ये प्रोटीन रिच फूड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए यूज किया जाता है, देखो सप्लीमेंट्री फूड बाय द स्पेस ट्रैवलर्स, जो लोग स्पेस में जाते हैं वो इन प्रोटीन रिच फूड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वो प्रोटीन रिच फूड हम लोग किन एल्गी के जरिए ऑब्टेन करते हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना के जरिए। किसके जरिए? क्लोरेला है, स्पाइरुलिना के जरिए, ये आपको याद रखना है। अब इसका फंडा क्या हो गया, परचेस, परचेस मतलब P4 क्या हो गया, प्रोटीन रिच फूड हो गया, चेस तो C4 CH4 क्या हो गया, क्लोरेला हो गया, और सिल्क मतलब क्या हो गया, एस मतलब क्या हो गया, स्पाइरुलिना हो गया। याद रखने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अरे क्लियर की नहीं क्लियर है? अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्लोरेला को अगर हम लोग देखते हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना कैसे हो गए, यूनिसेलुलर एल्गी हो गए, जिसको मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया था कि स्पाइरुलिना और क्लोरेला को क्या बोला जाता है, किसके अंदर इंक्लूड किया गया, यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर, और कौन था साथ में, क्लेमिडोगोनास साथ। क्लियर है? तो ये था एल्गी का इंट्रोडक्शन। तो अल्गे के जब भी इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जाएगी, तो आप अल्गे के इंट्रोडक्शन में कितने पॉइंट्स आपको याद रखना है, सबसे फर्स्ट आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन याद रखना है, फिर उसका हैबिटेट याद रखना है, फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे। ये 6 प्रॉपर्टीज हैं अल्गे की जो उसके इंट्रोडक्शन टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्गे, अल्गे को क्या किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जैसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उनके अंदर प्रेजेंट है उस बेसिस पर उनको क्लासिफाई कर दिया गया है। कितनी तरह की अल्गे होती है, तो टाइप्स ऑफ अल्गे को हम देते हैं, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द अल्गे, ग्रीन अल्गे, ब्राउन अल्गे एंड द रेड अल्गे। ग्रीन अल्गे आल्सो नोन एज द क्लोरोफाइसी, ब्राउन अल्गे नोन एज द फियोफाइसी, एंड द रेड अल्गे नोन एज द एरिथ्रोफाइसी। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।